जनपद गाजियाबाद में थाना कोतवाली अंतर्गत एक FIR दर्ज हुआ है 420 का एक मुकदमे में लिखा है। लड़की की पिता ने अप्लीकेशन दिया है, हमारा लड़की का उनका हस्बैंड द्वारा चीटिंग करके शादी करा, इस तरह का लिखा है FIR। अभी उन लोगों ने 2018 में शादी कर लिया दोनों लोगों ने, अभी भी दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहा है और उनका पापा का कहना है इन लोगों ने हमको धोखा दिया, इसे मेरा बेटी से शादी हुआ, और फिर भी पुलिस ने उनका पापा का शिकायत के अनुसार FIR दर्ज करा दिया हमने। बाकी चीज़ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, जो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस सत्य पाएगा उसका अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। शुरुआती जांच में सर क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ रह रहे हैं नोएडा के अंदर और पिता ने जो एप्लीकेशन दी है वो लव जिहाद के तहत, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो लड़की से हम 167 कराएंगे, जो लड़की जो उनका अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रूव करेंगे, उनका परिवार समस्या बने, वो 2-3 साल से एक साथ रह रहे हैं लोग, 2018 से एक साथ रह रहे हैं, जो भी बात सामने आएगी सत्य के आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। जनपद गाजियाबाद में थाना कोतवाली अंतर्गत एक FIR दर्ज हुआ है 420 का एक मुकदमा लिखा है। लड़की की पिता ने अप्लीकेशन दिया है, हमारा लड़की का उनका हस्बैंड द्वारा चीटिंग करके शादी करा, इस तरह का लिखा है FIR। अभी उन लोगों ने 2018 में शादी कर लिया दोनों लोगों ने, अभी भी दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहा है और उनका पापा का कहना है इन लोगों ने हमको धोखा दिया, इसे मेरा बेटी से शादी हुआ, और फिर भी पुलिस ने उनका पापा का शिकायत के अनुसार FIR दर्ज करा दिया हमने। बाकी चीज़ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, जो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस जनपद गाजियाबाद में थाना कोतवाली अंतर्गत एक FIR दर्ज हुआ है 420 का एक मुकदमा लिखा है। लड़की की पिता ने अप्लीकेशन दिया है, हमारा लड़की का उनका हस्बैंड द्वारा चीटिंग करके शादी करा, इस तरह का लिखा है FIR। अभी उन लोगों ने 2018 में शादी कर लिया दोनों लोगों ने, अभी भी दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहा है और उनका पापा का कहना है इन लोगों ने हमको धोखा दिया, इसे मेरा बेटी से शादी हुआ, और फिर भी पुलिस ने उनका पापा का शिकायत के अनुसार FIR दर्ज करा दिया हमने। बाकी चीज़ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, जो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस सत्य पाएगा उसका अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। शुरुआती जांच में सर क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ रह रहे हैं नोएडा के अंदर और पिता ने जो एप्लीकेशन दी है वो लव जिहाद के तहत, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो लड़की से हम 167 कराएंगे, जो लड़की जो उनका अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रूव करेंगे, उनका परिवार समस्या बने, वो 2-3 साल से एक साथ रह रहे हैं लोग, 2018 से एक साथ रह रहे हैं, जो भी बात सामने आएगी सत्य के आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे।